गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है द गंगा। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी सबसे पवित्र नदी है गंगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, द गंगा इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर इन इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण नदी है हमारे भारत के अंदर। इट अमर्जेस फ्रॉम द हिमालयस। और कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और ये तीन नदियों से मिलकर बनी है हमारी गंगा नदी। वो तीन नदियाँ कौन कौन सी हैं? भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी, जो भी कन्वर्ज होती हैं, जुड़ती हैं आपस में देवप्रयाग पे, 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑफ ऋषिकेश इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये सब क्या होती है, आपस में मिलती हैं। एंड दस द रिवर गंगा कम्स इनटू बीइंग। द गंगा इज द 15th लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। जो एशिया की कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पर है गंगा हमारी रिवर। इट इज एज जवाहरलाल नेहरू वन सेड। और जवाहरलाल नेहरू ने एक बार क्या कहा था? द वेल नोन सिंबल ऑफ इंडिया, की हमारा भारत का क्या है, ये प्रतीक है गंगा। एक किसको एक प्रतीक बताया, इसे चिन्ह बताया है। इट सस्टेन्स द लाइव्स ऑफ ओवर 300 मिलियन। जो भी इसके किनारे पर लोग रहते हैं उन लोगों के लिए क्या है, ये उनकी जिंदगी है। द गंगा इज कंसिडर्ड अ सेक्रेड रिवर बाय द हिंदूज। और गंगा क्या है? हिंदूज के द्वारा मानी गई एक पवित्र नदी है। अ हिंदू इज सपोज्ड टू हैव लिव्ड इन वेन इफ ही फेल्स टू टेक अ डिप इन होली रिवर एटलीस्ट वंस। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक हिंदू आदमी है, कोई भी है, अगर वो एक डुबकी ना ले गंगा के अंदर तो उसका जीवन फेल है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम गंगा में क्या करने के लिए जाते हैं, जैसे गंगा एक पवित्र जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे हम स्नान करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स इट्स वाटर इज यूज ऑन मैनी ऑस्पिशियस ओकेजन। और इसके बिहाफ हम क्या कर सकते हैं, इसके पानी का बहुत सी जगह यूज होता है। ओकेजन कोई भी अवसर, कुछ अवसर होता है तो इसके पानी का यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना गंगा जल, जैसे हवन होता है तो उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करते हैं हर घर में। इट इज बिलीव दैट वाटर्स ऑफ द रिवर हैव मेडिसिनल वैल्यू। और ये भी विश्वास किया जाता है कि जो गंगा का पानी होता है वो मेडिसिनल वैल्यू की, मतलब एक दवाई के रूप में भी उसका यूज कर सकते हैं एंड क्योर इलनेस, और बीमारी को भी दूर कर सकती है। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी एट गौमुख। और गंगा की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? गौमुख ग्लेशियर से। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना सब बच्चों को, ये होता है गौमुख ग्लेशियर, जो कहाँ पे कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 4,246 मीटर इन द हिमालयस। कहाँ पे स्थित है ये? हिमालयस में। वेयर द स्ट्रीम कॉल्ड द भागीरथी कैन बी सीन ट्रिकलिंग डाउन एज द एजलेस ग्लेशियर मेल्ट्स। और वहां पर क्या होता है, जहाँ पे भागीरथी नाम की नदी दिखाई देती है, जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जैसे बूंद बूंद पानी टपकता है ना, ऐसे ही वो ग्लेशियर थोड़ा थोड़ा पानी बनकर टपकता है। फिर क्या होता है, एट रुद्रप्रयाग द मंदाकिनी मर्जिस विद अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग पे जो मंदाकिनी नदी है वो किससे जुड़ती है? अलकनंदा नदी से जुड़ती है। फिर क्या होता है, देखो आगे, द मंदाकिनी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ उत्तराखंड। इसमें क्या बताया कि उत्तराखंड में सबसे सुंदर दिखने वाली नदी कौन सी है? मंदाकिनी। सबसे उसका जो हम देखेंगे नजारा, उसका बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा, और इसके किनारे पर, अलकनंदा जो रिवर है, नदी है, उसके किनारे पर क्या स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ टेम्पल है ना, जो बद्रीनाथ का मंदिर, वो स्थित है। एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, और जो साधु संत वहाँ पे आते हैं उनका रुकने का स्थान है वो। अलोंग द बैंक ऑफ मंदाकिनी इज सिचुएटेड द, और दूसरी जगह इसके साथ साथ और कौन सा मंदिर स्थित है? केदारनाथ टेम्पल, दूसरा मशहूर पिलग्रिमेज साइट, साधु संतों के लिए जो भी वहाँ जाते हैं उनके लिए बहुत ही फेमस साइट है वो देखने के लिए। ऑन द वे टू केदारनाथ, और जब रास्ते में हम केदारनाथ के जैसे रास्ते में जाते हैं, हम और क्या क्या देखने को मिलता है, आर ट्रैवलर कैन एंजॉय सम ऑफ द मोस्ट स्प्लेंडेड सीनरी इन द हिमालयस। हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जब हम रास्ते में जाते हैं तो जो हिमालयस की चोटियां होती हैं, पहाड़ों की जो चोटियां होती है, वो बिल्कुल हरा भरा फॉरेस्ट से, मतलब ग्रीनरी, एक सीनरी की तरह लगाई दिखता है हमें।
फ्रॉम देव प्रयाग द थ्री स्ट्रीम टुगेदर टेक द फॉर्म ऑफ माइटी रिवर, और देव प्रयाग से तीनों स्ट्रीम मिलकर क्या बनाती है हमारी गंगा रिवर। गंगा एंड दस बिगिंस आर 2500, और इससे ये कितना किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक। इट डिसेंड्स टू द प्लेन एट हरिद्वार, और इसके जब ये गुजरते हैं कहाँ कहाँ से, हरिद्वार, एंड ट्रेवल्स थ्रो फर्टाइल नॉर्थन, जो भी उपजाऊ नॉर्थन जगह है इंडिया की, वहाँ से होकर ये गुजरती है। द एंटायर रीजन ऑफ इट जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन इन द वर्ल्ड। द गंगा है सर्व्ड अस ट्रूथफुली एंड फेथफुली फॉर एजेस, हमारे लिए क्या है ये, सच्चाई से भरपूर है, ठीक है, बट वी हैव फेल्ड टू लुक आफ्टर हर वेल, लेकिन हम इसका पूरे तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि इसमें कूड़ा कचरा डाल देते हैं। जैसे देखो देरवा से टाइम, वैन एक टाइम था जब ये मतलब चारों तरफ से इसके जो भी हिल साइड्स में क्या था, फॉरेस्ट थे, ग्रीनरी थी मतलब हर जगह पे, लेकिन आज क्या हो गए, वो फॉरेस्ट, वो जंगल है, वो काट दिए गए, और जब जंगल काटे गए तो क्या हुआ, जो भी बहुत सी वाइल्ड लाइफ थी, जो भी एनिमल्स थे, जानवर थे, उनको भी हानि पहुंचाई गई, मैनी उसके उससे क्या हुआ, जो भी वाइल्ड लाइफ थी, जो भी एनिमल्स थे, वो खत्म होती चली गई, ठीक है। नॉट ओनली दिस, लेकिन इतना ही नहीं, कई लोग क्या करते, पॉल्यूट करते गंगा को, ठीक है, अपना कूड़ा कचरा डाल के, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पानी हम यूज करते हैं। ऑल होप इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि हमारी आशा खत्म नहीं हुई है, टुडे वी आर अवेयर ऑफ नीड टू कंजर्व, हमें बचाना चाहिए, और इसकी ग्रीनरी यानी कि मतलब इसको हरियाली को बनाए रखने के लिए हमें क्लीन रखना चाहिए गंगा को। ओके, लेट अस ऑल कोऑपरेट इन रिस्टोरिंग, हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्टोर करना चाहिए गंगा को एंड हर सराउंडिंग्स बैक टू हेल्थ एंड ग्लोरी, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी गंगा भी क्या रहे, शानदार बनी रहे। अब हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो प्रोनाउंस होता क्या है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होने चाहिए। इंग्लिश में प्रोनाउंस होता है और हिंदी में सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, की संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड शब्द हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे देखो सुहानी इज अ स्मॉल गर्ल, सुहानी इज वेरी स्वीट, सुहानी लव्स हर डॉल, सुहानी प्लेज विद द डॉल। सुहानी इज अ नाउन, इसमें क्या है, सुहानी संज्ञा है, इट इज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। रेपिटेशन ऑफ सुहानी डज नॉट साउंड गुड, और बार बार इसकी आवाज आना अच्छा नहीं लग रहा। नाउ लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन, अब हम दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखो सुहानी इज अ स्मॉल गर्ल, सुहानी क्या है, एक छोटी लड़की है, शी इज वेरी स्वीट, क्या है, वो बहुत ही प्यारी है। फिर देखो शी प्लेज विद अ डॉल, वो किसके साथ खेल रही है, एक गुड़िया के साथ खेल रही है, शी लव्स हर डॉल, और वो उसे अपनी गुड़िया बहुत ही प्यारी लगती है। इन दिस सेंटेंस शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सुहानी, सुहानी की जगह पे क्या यूज हुआ है, शी यानी कि नाउन की जगह पर क्या यूज किया हमने, प्रोनाउन, शी इज अ प्रोनाउन, शी क्या है, प्रोनाउन है दैट रिप्लेस्ड नाउन सुहानी। अब कुछ प्रोनाउन्स हैं आपके, जैसे देखो आई, वी, दे, ही, शी, इट, हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा मी, माय, माइसेल्फ, माइन, वी के साथ हमेशा क्या यूज होगा, आवर, आवर्स, आवरसेल्फ्स, अस, दे, देयर, देमसेल्फ्स, देम, जैसे दे, दे डू देयर वर्क, हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, दे डू आवर वर्क। नेक्स्ट ही के साथ हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, शी के साथ क्या यूज होगा, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट, इट्स, इटसेल्फ। अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट, आज की हमारी वर्कशीट नंबर क्या है, 28 है, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, द गंगा एंड द प्रोनाउन, क्लास थर्ड के लिए है, डे है आपका मंडे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना, आपको मैच करना है मैस्कुलिन जेंडर को विथ फेमिनिन जेंडर। देखो सर का क्या आएगा, सर का आएगा मैडम, जेंटलमैन लेडी, पोएट, पोएट का क्या आएगा, पोएटस, ठीक है, मॉन्क, नन, फिर गोट,
गॉडेस, ऐसे ये वाले आपको खुद करने। नेक्स्ट देखो वर्ड मीनिंग है, आपके वर्ड्स लिखे हुए और उनके मीनिंग ये आपको लर्न करके अपनी कॉपीज में लिखने हैं। अब देखो रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर एवर नेसेसरी, जहां भी आपको जरूरत है वहां पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है। जैसे देखो अमित इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे गलत लिखा है ना, ये ए क्या आएगा, कैपिटल आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, अमित इज स्लीपिंग। ओके नेक्स्ट वन और देखो, राधा इज गोइंग टू भोपाल, राधा का आर कैपिटल क्योंकि किसी का नाम है, ये इज गोइंग टू भोपाल, भोपाल सिटी का नाम है तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे बी बड़ा। ओके नेक्स्ट आप ये खुद करोगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रोनाउन, आपके साइड में ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से छांट के आपको यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है। जैसे ही वॉशिज डैश क्लोज, क्या आएगा इसमें, हीज या मी, अब हम दोनों भर के देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा इसमें। ही वॉशिज मी क्लोथ्स, नहीं अच्छा लग रहा ना, ही वॉशिज हिज क्लोथ्स, क्योंकि ही के साथ हमेशा क्या आता है, हिज आता है। वी गो टू डैश होम, आवर होम। ओके राहुल इज माई ब्रदर। ओके बाकी आप खुद करोगे। आई होप बच्चों आपको आज का वर्कशीट समझ में आया होगा। ओके गुड बाय, थैंक यू।